रोज अलग से दिखते चांद, रोज अलग से दिखते चांद, रोज बदलते कैसे चांद, तुम्हें उतारूं अपने पास, तुम्हें उतारूं अपने पास, फिर मिल कर के खेले साथ, फिर मिल कर के खेले साथ। रोज अलग से दिखते चांद, रोज बदलते कैसे चांद, तुम्हें उतारूं अपने पास, फिर खेलने हम मिलकर साथ। तुम्हें उतारूं अपने पास, फिर खेलें हम मिलकर साथ। तुम क्या कर रहे हो? मैं चांद की ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं रोज चांद की ड्राइंग करता हूँ और रोज चांद बदलता रहता है। देखो मैंने कितनी सारी ड्राइंग की है। जब तक तुम रंग भरते हो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? हाँ सुनाओ। एक बार की बात है, एक घोड़ा था, एक अनोखा घोड़ा। उसके पंख थे और वो उड़ सकता था। उसे रात को उड़ने का शौक था। जब अंधेरा हो जाता वह अपने पंख फैलाकर आसमान में छलांग लगा देता। एक दिन उसने पंख फैलाकर ऐसी छलांग लगाई कि वह चांद के पास जा पहुंचा। चांद ने उसके पंख देखे तो बोला, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है पर मेरे पंख नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ धीरे धीरे ही चल सकता हूँ। तुम्हारी तरह ना उड़ सकता हूँ ना कूद सकता हूँ। घोड़ा बोला, तो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, चक्कर लगाकर आते हैं। घोड़े की पीठ पर बैठकर चांद बहुत घूमा, रोज घूमा, कभी इधर कभी उधर, और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन घोड़ा थक गया, बहुत थक गया, उससे और न उड़ा गया। उसके पंख अकड़ गए और बदन भारी सा लगने लगा। उसका आखिरी समय पास आ रहा था। इधर चांद ने अपने दोस्त का खूब इंतजार किया पर घोड़ा नहीं आया। चांद बहुत दुखी हो गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह अपने गम में सिकुड़ने लगा। फिर घोड़े ने पूरी ताकत बटोरकर चांद से विदा लेने के लिए आखिरी छलांग लगाई। चांद खुश हो गया और उसने घोड़े के बदन को हजारों सितारों में बदलकर चारों तरफ आकाश में बिखेर दिया। अब घोड़ा आसमान में झिलमिल करते तारों के रूप में चमक रहा था। इस तरह घोड़ा अमर हो गया और हमेशा के लिए आकाश में बस गया। और चांद वह फिर कभी अकेला नहीं पड़ा। कहानी खत्म। अब मैं दिखाऊं मैंने क्या बनाया है।
गई पूरी मेरी 30वीं ड्राइंग और बन गई मेरी फ्लिप बुक। वो क्या होता है? एक मिनट। ये होती है फ्लिप बुक। दिखाओ दिखाओ। देखो चांद कैसे रोज बदलता है। रोज अलग से दिखते चांद, रोज अलग से दिखते चांद, रोज बदलते कैसे चांद। पहले दिन पूरा था और रोज रोज छोटा होकर गायब ही हो गया और फिर दोबारा रोज रोज बड़ा होकर पूरा गोल हो गया। चांद हमेशा गोल से गायब और गायब से गोल हो जाता है। उसको इसमें करीब 30 दिन लगते हैं। रोज अलग से दिखते चांद 30 दिन बनाने में लगे और कुछ ही मिनटों में सब कुछ फ्लिप बुक से देख लिया। रोज बदलते पर ऐसा क्यों होता है? मैं उतारूं अपने पास, तुम्हें उतारूं अपने पास, फिर मिल करके खेले साथ, फिर मिल करके खेले साथ।